दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट 1 और इसमें हम जानेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के बारे में और साथ ही पिछले सालों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे। दोस्तों, अगर कभी आपको पहले तीन ओड नंबर्स को जोड़ना है यानी कि 1, 3 और 5 तो आप जितने नंबर्स दिए हैं जैसे कि 3 उनका स्क्वायर करके भी आंसर निकाल सकते हैं। इसको इस पिक्चर की सहायता से समझते हैं। इसमें सबसे पहले ग्रीन कलर में एक बॉक्स है, उसके बाद दूसरे कलर में 3 बॉक्सेस, तो ये टोटल बनते हैं 4 बॉक्स जो कि इस स्क्वायर के अंदर आते हैं। फिर तीसरे नंबर पर हैं 5 बॉक्स और अब टोटल हुआ 9। उसके बाद चौथे नंबर पर 7 बॉक्स और इस स्क्वायर का टोटल हुआ 16। मतलब अगर हमें स्टार्टिंग के n ओड नंबर्स का जोड़ चाहिए तो उसका आंसर होगा n का स्क्वायर या फिर n मल्टीप्लाई बाय n, मतलब n गुना n। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं नंबर सिस्टम को ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स की सहायता से। दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि वह सिस्टम जिसमें हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं और साथ ही उनके संबंध और नियम का अध्ययन करते हैं उन्हें नंबर सिस्टम यानी कि संख्या प्रणाली कहा जाता है। इसमें सबसे पहले जानते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में। फेस वैल्यू यानी कि अंकित मूल्य। दोस्तों, लोगों के फेसेस की तरह एक नंबर में भी किसी डिजिट की फेस वैल्यू वह स्वयं है और इसका भी लोगों की क्वालिटी की तरह डिजिट की पोजीशन से कोई लेना देना नहीं होता। इसके उल्ट किसी डिजिट की प्लेस वैल्यू यानी कि स्थान मान उसकी पोजीशन यानी कि उसके अपने स्थान के चेंज होने से बदलती है। दोस्तों, इन दोनों को एक उदाहरण से समझते हैं। एक नंबर लेते हैं 43016। इसमें 6 की फेस वैल्यू है 6, उसके बाद 1 की 1, 0 की 0, 3 की 3 और 4 की 4, क्योंकि डिजिट स्वयं ही फेस वैल्यू है। बट प्लेस वैल्यू यानी कि स्थान मान 6 की है 6 × 1 यानी कि 6, उसके बाद 1 की 1 × 10 यानी कि 10, 0 × 100 0, 3 × 1000 3000 और 4 × 10000 यानी कि 40000। और दोस्तों, ये ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा जितने डिजिट्स उस नंबर में दिए हों। और दोस्तों, इनको ऐसे भी बोला जा सकता है कि राइट साइड यानी कि दाहिनी तरफ से सबसे पहला डिजिट यूनिट प्लेस कहलाता है और उसकी प्लेस वैल्यू डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करने से आती है। उसके बाद 10th प्लेस डिजिट जिसको 10 से मल्टीप्लाई करने से, उसके बाद 100th प्लेस जो कि 100 से मल्टीप्लाई करने से आता है और इसी तरह ये आगे बढ़ते बढ़ते 1000, 10000 और जितने भी डिजिट दिए हों वहाँ तक बढ़ती जाती है। और इसके साथ ही दोस्तों, इनकी खासियत ये है कि जब हम इनका जोड़ करें तो ये वह नंबर ही बनता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में 6, 10, 0, 3000, 40000, इन सबको जोड़ दें तो ये बनता है 43016 जो कि नंबर है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स यानी कि नंबर्स की किस्मों के बारे में। इनमें सबसे पहले हैं नेचुरल नंबर्स। दोस्तों, जो गिनती हम बचपन से ही नेचुरली बोलने लग जाते हैं जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 और आगे कभी ना खत्म होने तक, ये सारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही सबसे छोटा नेचुरल नंबर है। उसके बाद आते हैं होल नंबर्स। दोस्तों, इनको याद रखने के लिए आप इनके नाम से W हटा दें तो ये बनता है होल, जिसका मतलब छेद होता है और जो ड्रा करने पर 0 जैसा दिखाई देता है। यानी कि होल नंबर होते हैं 0 और उसके बाद आ जाते हैं नेचुरल नंबर्स, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और इसके साथ ही अब सबसे छोटा होल नंबर हो गया 0। और दोस्तों,
अब आपका परिचय कराते हैं इंटीजर से। हमने अभी तक जीरो से शुरू होकर सारे पॉजिटिव की तरफ नंबर देखे हैं। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नेचुरल नंबर के साथ अगर प्लस साइन लगा दे तो ये बनते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। वैसे जो पॉजिटिव साइन लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है, जैसे कि 0, प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, सो ऑन। और अगर हम इनके साथ माइनस साइन लगाते हैं तो यानी कि माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4 एंड सो ऑन, तो ये बनते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। दोस्तों इन इंटीजर्स को स्केल की सहायता से फिर से देखते हैं। सबसे पहले सेंटर में 0, उसके राइट साइड सारी पॉजिटिव काउंटिंग्स जिनको पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, और इसके उल्ट 0 के लेफ्ट साइड में सारी नेगेटिव काउंटिंग्स जिनको नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। और दोस्तों ये भी क्लियर करता है कि कौन सा नंबर किससे बड़ा है। एक बार इन तीनों नंबर्स के रिलेशन निकालते हैं। सबसे छोटे हैं नेचुरल नंबर्स, और दोस्तों नेचुरल नंबर्स में बस एक जीरो ही लगाते हैं तो ये होल नंबर बन जाते हैं। और उनके अलावा अगर हम नेगेटिव नंबर्स भी लगा दें तो ये बन जाते हैं इंटीजर्स। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इवन नंबर्स क्या हैं। आप सब ये तो जानते ही होंगे कि जो नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं उनको इवन नंबर्स बोला जाता है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। उसके आगे 100, 102, 104, फिर आगे 1000। मतलब इनका यूनिट प्लेस डिजिट हमेशा इवन नंबर होगा। दूसरे हैं ओड नंबर्स। इवन नंबर्स के उल्ट जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उनको ओड नंबर बोला जाता है, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, उसके बाद 101, 103, फिर आगे 1001, 1003 एंड सो ऑन। और इनका मतलब भी ऐसे ही हुआ कि जिनका यूनिट प्लेस ओड नंबर हो। उसके बाद हैं प्राइम नंबर्स, यानी कि अभाज्य संख्या। दोस्तों वह ताकतवर नंबर जिनको कोई और दूसरा तोड़ भी ना पाए वह होते हैं प्राइम नंबर्स। मेरा मतलब है जो सिर्फ एक या फिर स्वयं से डिवाइड हों और इसके अलावा कोई भी नंबर इनको डिवाइड ना कर पाए उनको प्राइम नंबर्स बोला जाता है, जैसे कि 2, 3, उसके बाद 4 2 से डिवाइड होता है तो ये प्राइम नंबर नहीं है, फिर 5 है, 6 फिर नहीं है क्योंकि ये 3 या 2 दोनों से डिवाइड हो जाता है, उसके बाद 7, फिर 11, 13, 17 और सो ऑन। और दोस्तों इस बात पर भी ध्यान दें कि एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन में आता है कि या तो वह एक नंबर से डिवाइड हो और या स्वयं से, और या दोनों ही एक ही है। और इसका मतलब ये हुआ कि सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, जो कि साथ में एकलौता इवन नंबर भी है, और इसके बाद आने वाले सारे प्राइम नंबर्स ओड होते हैं। और दोस्तों कभी आपसे सबसे छोटा ओड प्राइम नंबर पूछा जाए तो वह हुआ 3। अब देखते हैं कंपोजिट नंबर्स। दोस्तों वह नंबर्स जो प्राइम ना हो कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं, यानी कि जिनको कोई भी दूसरा नंबर आकर तोड़कर चला जाता है। मेरा मतलब है वह नंबर्स जो अन्य नंबरों से डिवाइड हो सकें। उदाहरण के लिए देखते हैं 4, जो 2 से डिवाइड हो जाता है तो ये कंपोजिट नंबर है। उसके बाद 6, जो बनता है 3 और 2 से, 8, 9, 10, 12, 14 और सो ऑन। और दोस्तों ये नंबर्स इवन या ओड दोनों हो सकते हैं। इनके बाद आते हैं रैशनल नंबर्स। जिस भी नंबर को कभी P बटा Q की तरह लिखा जा सके वह रैशनल नंबर कहलाता है। और दोस्तों वैसे तो इनमें P या Q की कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है,
सिवाय q के जीरो होने के। तो रैशनल नंबर्स की एग्जांपल हैं 1/2, 3/6, 5/3। इसके साथ ही दोस्तों 1, 2, 6, 10, 12 ये सारे भी रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इनके नीचे 1 लगाते जाएं तो ये भी p/q के फॉर्म में आ जाएगा, जैसे 1/1, 2/1 एंड सो ऑन। दोस्तों ये सारे भी रैशनल नंबर्स हैं। इनके बाद आते हैं इरेशनल नंबर्स। दोस्तों जिन नंबर्स को p/q की तरह ना लिखा जा सके वह होते हैं इरेशनल नंबर, और इनमें मुख्यतः अंडर रूट्स वाले, जैसे कि √3, √11, -√12, √2/5, √0.6 और तो और पाई, जिसको हम 2/7 लिखते हैं, बट ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। एक्चुअल में ये 3.1415 और ये कभी ख़त्म नहीं होता। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो नंबर्स जो कि डेसिमल्स के बाद कभी ख़त्म नहीं होते वह भी इरेशनल नंबर कहलाते हैं, जैसे कि पाई। लास्ट हैं रियल नंबर्स। और दोस्तों जैसे कि इनका नाम रियल नंबर्स हैं तो दुनिया के सारे ही रियल नंबर्स इसमें आते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हमने रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर अभी पढ़े हैं वह सारे रियल नंबर्स का ही हिस्सा हैं। जैसे कि 1, 0, 5, 2/5, √5, 0.7, पाई, 1000/3000, -6, -20, -0.41, कोई भी नंबर हो। चलिए दोस्तों अब जानते हैं उन शॉर्टकट्स के बारे में जो डिवीजन से जुड़े क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपकी सहायता करेंगे। सबसे पहले है उन नंबर्स को निकालना जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं। दोस्तों वह सारे ही नंबर जिनका लास्ट एक डिजिट या तो 0 हो और या हो इवन, तो वह नंबर्स 2 से डिवाइड होगा, जैसे कि 12, 86, 472, 520, 1000 एक्सेट्रा। उसके बाद हैं वह नंबर्स जो कि 3 से डिवाइड हो सकें। दोस्तों 3 किसी भी नंबर को तभी डिवाइड कर पाएगा जब वह उस नंबर के सभी डिजिट्स के जोड़ को तोड़ पाएगा। उदाहरण के लिए देखते हैं 1, 2, 3 जिनका जोड़ होता है 6, जो कि 3 से डिवाइड हो जाता है, तो 1, 2, 3 भी 3 से डिवाइड होगा। अब जानते हैं 4 द्वारा डिवाइड किए जाने वाले नंबर्स के बारे में। दोस्तों जैसे 2 के लिए लास्ट एक डिजिट का 0 या 2 से डिवाइड होना जरूरी था, उसी तरह 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट्स या तो 0 हो और या फिर 4 से डिवाइड हो सकें, जैसे कि 100, 124, 1000, 7784 एक्सेट्रा। इनके बाद हैं 5 से डिवाइड होने वाले नंबर्स, जो कि आप जानते ही होंगे कि अगर लास्ट डिजिट 0 है या फिर 5, तो ये 5 से डिवाइड होगा। अब है 6 से डिवाइड होने वाले नंबर। दोस्तों जैसे 6 होता है 3×2, तो 6 से डिवाइड होने के लिए उस नंबर का 3 और 2 से डिवाइड होना जरूरी है, जैसे कि 18, 36, 720, 1440 एक्सेट्रा। ये सारे ही नंबर्स 3 और 2 दोनों से डिवाइड होते हैं। 8 से डिवाइड होने वाले नंबर्स। दोस्तों 2 के लिए लास्ट एक डिजिट, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट, और अब 2 के क्यूब यानी कि 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट्स या तो 0 हो और या 8 से डिवाइड हो सकें, तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा, जैसे कि 1000, 1,00,000, 1256 एक्सेट्रा। 9 से डिवाइड होने वाले नंबर्स। दोस्तों 3 की तरह 9 भी पूरे नंबर्स को तभी तोड़ पाएगा जब ये इन नंबर्स के जोड़ को अलग अलग कर पाए, जैसे कि एक नंबर लेते हैं
9368819। इन सभी को जोड़ दीजिए तो इनका जोड़ बनता है 36, जो कि 9 के टेबल में आता है। तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। लास्ट है 11 से डिवाइड होने वाले नंबर्स। दोस्तों, इसको निकालने के लिए आपको एक एक डिजिट छोड़कर जोड़ना है, मतलब कि पहले सारे ओड नंबर्स को जोड़ दीजिए और उनमें इवन नंबर्स का जोड़ घटा दीजिए, और जो आंसर आएगा वह अगर 11 से डिवाइड होता है तो ये सारा नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। उदाहरण के लिए 2865423, इनमें 3, 4, 6 और 2 को जोड़िए और 2, 5 और 8 को जोड़िए। ये बना 15 और ये भी बना 15, दोनों को घटाएंगे तो आएगा 0, जो कि सभी नंबरों से डिवाइड होता है और 11 से भी होगा। तो ये पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सबसे पहले डिजिट यानी कि यूनिट प्लेस से जुड़ी कुछ ट्रिक्स के बारे में। दोस्तों, इन पर जो क्वेश्चन बनते हैं उनको दो भागों में बांटा जा सकता है। पहले वो जिनमें ऐसे प्रोडक्ट्स में वैल्यूज लिखी रहती हैं और इनमें यूनिट प्लेस का डिजिट निकालने को बोला जाता है। दोस्तों, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट प्लेस की जगह हमेशा यूनिट प्लेस के डिजिट का ही रोल रहता है, इसलिए हमें पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सभी नंबर्स के यूनिट प्लेस के डिजिट्स यानी कि सबसे पहले पहले डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। जैसे इसमें यूनिट प्लेस के डिजिट्स हैं 7, 1, 9 और 4। इनको आगे किसी को भी किसी से भी मल्टीप्लाई करो, जैसे कि 7 और 1, 9 और 4, तो ये बनते हैं 7 और 36। अब आगे फिर से यूनिट प्लेस के डिजिट्स उठाओ, और दोस्तों ऐसा तब तक करते रहना है जब तक सिर्फ एक ही नंबर ना बचे, मतलब कि जैसे यहाँ 7 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो आता है 42, तो इसका यूनिट प्लेस जो कि है 2 इसका आंसर है। यूनिट प्लेस के दूसरी तरह के क्वेश्चन इस तरह के डरावने से होते हैं, जिसमें पहले तो 3-4 डिजिट्स के नंबर होते हैं, फिर उनकी पावर भी 3-4 डिजिट्स की ही होती है। दोस्तों, पिछले टाइप के क्वेश्चंस की तरह इसमें भी आपको सबसे पहले नंबर का यूनिट प्लेस का डिजिट ही देखना है, जैसे कि 102 की पावर 100 और इसका यूनिट प्लेस हुआ 2, जिसको आपको 100 बार खुद से ही मल्टीप्लाई करना है। बट आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, समझते हैं क्यों। सबसे पहले लेते हैं 2 की पावर 1, तो ये आएगा 2। अगर हम पावर 2 मान लें तो ये बनता है 4, अगर पावर है 3 तो ये बनता है 8, इसी तरह अगर पावर है 4, 16, 5, 32, उसके बाद 6 तो ये आएगा 64। अब एक बार ऊपर देखिए, सबके यूनिट प्लेस के डिजिट्स हैं 2, 4, 8, 6, उसके बाद फिर से 2, 4, और अगर आप आगे भी मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये इसी तरह के ये 4 नंबर यानी कि 2, 4, 8 और 6 ही रिपीट होंगे। और दोस्तों, इसका उपयोग हम इस तरह से करेंगे, जैसे कि यहाँ पर पावर 100 है तो इनको इन डिफरेंट नंबर ऑफ यूनिट प्लेसेस यानी कि जैसे यहाँ पर 4 हैं तो इनसे डिवाइड कर दीजिए, और यहाँ डिवाइड करने से 25 आएगा और रिमाइंडर बचेगा 0, और इसका आंसर आएगा 6। और ये इसलिए आया क्योंकि 2 को 100 बार मल्टीप्लाई करने से ये इन चारों यूनिट प्लेस के डिजिट्स के 25 चक्कर लगाता है और लास्ट में इस नंबर पर आकर रुक जाता है। अब अगर पावर 103 हुई तो रिमाइंडर बचेगा 3, मतलब तीसरे स्थान का यूनिट प्लेस इसका आंसर है। और इसको भी इस प्रकार समझते हैं, 25 बार पूरे चक्कर लगाने के बाद ये तीसरे स्थान पर आकर रुकेगा जो कि है 8। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से निकालते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को।
जैसे कि 112 की पावर है 207। सबसे पहले साइड में 2 के मल्टीप्लाई लिखिए, 2, 4, 8, 16, जिसका हम 6 लिखेंगे, और इनकी टोटल काउंटिंग जो कि है 4। हमें बस पावर को 4 से डिवाइड करना है, यानी कि 207 को 4 से, जो कि आता है 51 और बचेगा 3। तो जो बचेगा उस प्लेस का यूनिट प्लेसेस का आंसर होगा, मतलब कि यहाँ पर तीसरे स्थान का, जो कि यहाँ है 8। एक और एग्जांपल लेते हैं, 120 की पावर 10003। दोस्तों अब जीरो को चाहे जितनी बार भी खुद से मल्टीप्लाई करो तो हमेशा जीरो ही आएगा, तो इसका आंसर है 0। और दोस्तों इस बात पर भी ध्यान दें कि जीरो की तरह जब यूनिट प्लेस 1, 5 या फिर 6 भी हो, तब भी उसका आंसर ये नंबर्स खुद हैं, क्योंकि चाहे 1 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई कर लो, 5 को या फिर 6 को, हमेशा यूनिट प्लेस ये नंबर्स खुद हैं। अब लेते हैं 173 की पावर 94। दोस्तों अब इसका यूनिट प्लेस है 3। इसके भी मल्टीप्लाई हैं 3, 9, 27 का 7, उसके बाद 1। बस अब रुक जाइए, क्योंकि अब फिर से ये रिपीट होते जाएंगे, मतलब 3 के केसेस में भी आपको पावर को 4 से ही डिवाइड करना है। जैसे कि यहाँ 94 को डिवाइड करना है 4 से, तो डिवाइड करने पर आता है 23 और बचता है 2, मतलब कि दूसरे स्थान वाला यूनिट प्लेसेस का आंसर है, यानी कि 9। आगे लेते हैं 94 की पावर 49। दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमें 4 के मल्टीप्लाई साइड में लिखने हैं, तो चलिए लिखिए 4, 16, 64। अब देखिए 4 फिर से रिपीट हो गया, तो बचे 4 और 6, मतलब कि इनकी टोटल गिनती है 2, जिसका मतलब ये हुआ कि 4 यूनिट प्लेस के केसेस में इनकी पावर को सिर्फ 2 से ही डिवाइड करना है। तो चलिए 49 को डिवाइड करें 2 से, तो बचेगा 1, मतलब पहली पोजीशन वाला ही इसका आंसर है, यानी कि 4। दोस्तों अब बचे हैं वह नंबर जिनका यूनिट प्लेस या तो 7 हो, 8 या फिर 9। 7 के मल्टीप्लाई हैं 7, 9, और दोस्तों हमें सिर्फ यूनिट प्लेस चाहिए, तो टोटल मल्टीप्लाई ना करें, सिर्फ 9 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आएगा 63, यानी कि 3। अब फिर से 3 को 7 से मल्टीप्लाई, तो आएगा 1, उसके बाद फिर से 7, फिर से 9, मतलब इनके भी यूनिट प्लेस के डिजिट हैं 7, 9, 3 और 1, यानी कि 4। अब 8 के देखते हैं, 8, 64 यानी कि 4, फिर 32 यानी कि 2, 6, फिर 8, मतलब कि यहाँ से ये फिर से रिपीट है, तो यही इसके मल्टीप्लाई हैं, यानी कि 4। लास्ट है 9, इसके बनते हैं 9, 1, फिर 9, फिर 1, यानी कि 2 ही इसके मल्टीप्लाई हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि हमें इस केस में पावर को 2 से ही डिवाइड करना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सम ऑफ नंबर से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में। दोस्तों जैसे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया है कि अगर हमें पहले n ऑड नंबर्स का सम चाहिए, तो ये बनता है n का स्क्वायर, यानी कि n मल्टीप्लाई बाय n। इसी तरह दोस्तों अगर हम इन बॉक्सेस के साथ एक एक बॉक्स और जोड़ दें, तो ये सारे बॉक्सेस की काउंटिंग इवन नंबर हो जाएगी। जैसे कि सबसे पहले 2, फिर 4, उसके बाद 6 और 8, और दोस्तों इनका अगर हमें अब सम चाहिए तो ये बनता है पहले वाले के n स्क्वायर और अब वाले n, यानी कि n स्क्वायर प्लस n। और दोस्तों अगर हम इन दोनों का n कॉमन निकाल लें, तो ये बनता है n और ब्रैकेट में n प्लस 1। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पे बने हैं 2, 4, 6, 8, जो कि टोटल हैं 4,
तो 4 बाहर रखिए और ब्रैकेट में 4 जमा 1 मतलब कि 20 इसका आंसर है। दोस्तों उसके बाद लास्ट ट्रिक है इवन और ओड दोनों से जुड़े नंबर्स यानी कि पहले एन नेचुरल नंबर्स की। दोस्तों जैसे कि हमारे स्टार्टिंग के इवन नंबर्स हैं 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, और अगर हम इन सब से 2 बाहर निकाल लें तो अंदर बचते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन यानी कि सारे नेचुरल नंबर्स। और दोस्तों अब इस बात पर ध्यान दें कि इवन नंबर्स का जो फॉर्मूला बना था वह नेचुरल नंबर से डबल रहेगा, यानी कि नेचुरल नंबर का सम निकालने के लिए हमें इवन नंबर वाले फॉर्मूले को आधा करना होगा यानी कि 1/2 उसके बाद एन स्क्वायर प्लस एन, इसको आप इनमें से किसी भी रूप में लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों इन सब से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर भी ध्यान देते हैं। सबसे पहला इवन नंबर का स्क्वायर यानी कि इवन नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करने पर हमेशा इवन नंबर ही आएगा, और इसी तरह ओड नंबर का हमेशा ओड नंबर। दूसरा प्राइम नंबर्स की गिनती 1 से लेकर 50 तक 15 है, और इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, जबकि 50 से 100 के बीच केवल 10 हैं। नेक्स्ट जैसे कि 4 12 और 20 दोनों को डिवाइड करता है, और इतना ही नहीं इन दोनों के सम यानी कि 32 और डिफरेंस यानी कि 8 को भी डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नंबर x y और z को डिवाइड करता है तो यही नंबर x y और z के सम और डिफरेंस से आने वाले नंबर्स को भी डिवाइड करेगा। चलिए दोस्तों अब एक झलक डालते हैं नंबर सिस्टम से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन है इस नंबर में 6 की प्लेस वैल्यू यानी कि स्थान मान क्या है, और इसके ऑप्शंस हैं ये। और जैसा कि हमने बताया है कि प्लेस वैल्यू निकालने के लिए आपको 10 की पावर से मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि पहले 0 से शुरू होकर आगे बढ़ती जाएगी, जैसे कि सबसे पहले 10 की पावर 0 यानी कि 1, फिर पावर 1, 2 और ऐसे ही करते 6 की बनती है 10 की पावर 8। उसके बाद है इस नंबर में 6 की फेस वैल्यू यानी कि अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, और दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं ये। और दोस्तों इसका आंसर तो आप जानते ही हैं कि डिजिट सेम है यानी कि 6। दिए गए नंबर में 8 का स्थान मान और अंकित मान का जोड़ करें, और आपके ऑप्शंस हैं ये। दोस्तों जैसे कि 8 तीसरे स्थान पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू 8 को 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करने से आएगी यानी कि 100 से, जो कि बनता है 800, और फेस वैल्यू 8 सेम है तो टोटल बना 808। नेक्स्ट है संख्याओं की जोड़ी जो एक दूसरे के लिए अपेक्षाकृत अभाज्य संख्या है, आपके ऑप्शंस हैं। दोस्तों ये एक्चुअल में को प्राइम नंबर्स हैं, और जैसे कि को का मतलब 2 होता है, ये उन 2 नंबर्स के मध्य ही होता है जिनका HCF 1 हो, मतलब कि वो दोनों नंबर्स किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड ना हो, जैसे कि यहाँ पे 92 और 85 हैं। दोस्तों HCF के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। 2/3 एक रैशनल नंबर है, जबकि √2/3 क्या है? रैशनल नंबर इरैशनल नंबर नंबर ही नहीं है, नेचुरल पीरियोडिक नंबर। दोस्तों जैसे कि √2 और √3 इरैशनल नंबर हैं, वैसे ही इनकी रेशियो भी इरैशनल नंबर ही है। 2 लगातार ओड नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर 6723 आता है, तो इन दोनों में से बड़ी संख्या क्या है? आपके ऑप्शंस हैं
89, 85, 91, 83 एंड none of the above। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आप हमेशा ऑप्शंस का सहारा लें, क्योंकि वैसे अगर आप x प्लस 1 और x प्लस 3 लेकर करने लगे तो बहुत टाइम लगेगा। और दोस्तों, अब ऑप्शंस में आपको बड़ा और नंबर दिया है तो उनका छोटा नंबर लीजिए और यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करते जाइए। जैसे कि पहला, इसका यूनिट प्लेस तो 3 है तो टोटल मल्टीप्लाई कीजिए जो कि आता है इतना। अगला 85, इसका तो यूनिट प्लेस ही 5 है। उसके बाद 91, इसका भी यूनिट प्लेस 0 है जो कि यहाँ पे 3 दिया है। नेक्स्ट 83, इसका 3 आ रहा है तो पूरा मल्टीप्लाई कीजिए जो कि क्वेश्चन में है, तो आंसर है 83। लगातार 4 इवन नंबर्स का जोड़ करने पर आता है 284, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 72, 74, 68, 66 और कोई भी नहीं। दोस्तों, इसमें 4 नंबर्स का जिक्र हो रहा है तो आपको सबसे छोटा नंबर x मानना पड़ेगा और उसके आगे के नंबर्स x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस 6 और जिनका जोड़ बनता है 4x जमा 12 जो कि 284 दिया है। इसमें से अगर x की वैल्यू निकाले तो आती है 68 जो कि इसका आंसर है। दोस्तों, किसी दो डिजिट नंबर यानी दो अंकों की संख्या के दोनों अंकों का जोड़ होता है 14 और इनका अंतर है 2, तो इन दोनों अंकों को मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा? 56, 48, 45 नहीं निकाल सकते या इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए आप x और y का नंबर ले लीजिए। तो जैसे कि y यूनिट प्लेस पर है तो ये y आएगा और x 10th प्लेस पर है तो इसको हम 10x जमा y लिख सकते हैं, तो बनेगा टोटल xy। और जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, इन दोनों का जोड़ है 14 और इन दोनों में अंतर है 2 यानी कि x 8। और इसको पहली इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 6 और हमें इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए तो वो आ जाएगा 48 यानी कि बी। पहले 84 इवन नंबर्स का जोड़ निकालना है और आपके ऑप्शंस हैं ये। और दोस्तों, इसका फॉर्मूला तो आपको बताया ही गया है। और इसका आंसर है ए। धन्यवाद दोस्तों। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अगले भाग में हम HCF और LCM के बारे में जानेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें।